हेलो एवरीवन दिस इज नितिन दीक्षित फ्रॉम माय क्लासरूम तो आज के सेशन में क्या स्पेशल है क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बार पहले उसको समझ लेते हैं टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल अप्रोच टू सॉल्व इन इन कॉम्प्लेक्स नंबर अब पहले भी uh, मैंने बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ब्यूटी है दैट इज ज्योमेट्रिकल पार्ट है ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एक्चुअली तो अगर वो हम थोड़ा सा समझ ले तो हम बहुत अच्छी अच्छी इवन बड़ी सो कॉल्ड टफ इनिक्वालिटीज को भी हम लोग क्रैक कर सकते हैं प्रूफ दे सकते हैं तो आज के सेशन में मैं वही लेके आया हूं मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल को ज्योमेट्री से हम लोग कैसे क्रैक uh, कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट और इससे पहले कुछ की पॉइंट्स जो हम मैं एक बार जस्ट रिकॉल कराने के लिए तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर मॉड ऑफ जेड टू बेसिकली जब हम इसका जियोमेटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं तो बेसिकली मॉड ऑफ z1 वन माइनस जेड हमको सिर्फ क्या देता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन आर्गन प्लेन मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं दिस इज अवर रियल एक्सेस एंड दिस इज अवर इमेजिनरी एक्सेस है ना मैं इसको रियल एक्सेस Plane की बात कर रहा हूं एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सेस ओके कोई भी दो पॉइंट अगर मेरे पास है ए एंड बी और ये ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है दिस दिस इज नथिंग बट जेड वन माइनस जेड टू और इसका मॉडलस विच इज लेंथ ए बी ओके तो फर्स्ट पॉइंट हम ये समझ गया सेकंड पॉइंट क्या है z अपॉन मॉडुलस ऑफ z इसकी बात करें बेसिकली इसको समझ लेते हैं दिस इज नोन एज अ यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमोडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जिसका मॉडुलस वन हो ओके okay? अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वन हो तो वो एक यूनिट रेडियस के सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा मैं क्या कह रहा हूं इसको एक बार देख लेते हैं ये अगेन आर्गन प्लेन की बात कर रहा हूं दिस इज रियल एक्सेस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सेस अब अब मैं अगर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर लू जो यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसका मॉड्यूलस वन हो यानी यूनिटी हो तो मैं बोल सकता हूं हमेशा सेंटर से उसका डिस्टेंस वन यूनिट रहेगा सो दैट विल लाई ऑन अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन विद रेडियस वन यूनिट ओके एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी सिंपल जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं नाइन्थ में टेंथ में दैट इज थीटा इक्वल टू आर कपॉन रेडियस ये सर्कल का बिल्कुल सबसे बेसिक रिजल्ट है जो हम लोग एक बार रिकॉल करना चाहते हैं अब इन्हीं का यूज करके हम इन्हीं क्वालिटीज को कैसे हम लोग क्रैक करते हैं और एक चीज हमेशा ध्यान रखना इन्हीं क्वालिटीज हो या क्वेश्चन हो एक एक टर्म को हम विजुलाइज करें अगर तो हमको ज्योमेट्रिकली भी सब कुछ क्लियरली दिखेगा देखता हूं फर्स्ट एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं इट इज रिटेन मॉड ऑफ जेड अपॉन मॉडल ऑफ जेड माइनस वन लेस देन आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो फिर से मैंने कहा हम सिर्फ एक एक टर्म को समझते चलते हैं कि क्या है उसके बाद हमारे पास बहुत ईजी होगा ये समझना जैसे अभी मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट में अगर बोलू तो z अपॉन ऑफ़ z ये क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल ऑन अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन विद रेडियस वन यूनिट ओके अब उसका एक पॉइंट वन है वन मीन्स एक रियल है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज वन उससे डिस्टेंस की बात की जा रही है लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या बोल सकता हूं दिस इज डिस्टेंस ऑफ दिस यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम वन और राइट हैंड साइड में क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी हम लोग जानते हैं कि रियल एक्सिस से अगर मैं आ, उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करूं तो रियल एक्सिस से जो एंगल बनेगा दैट विल बी नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z. अब इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग अगर देखना चाहें तो बहुत इजी होगा हमारे लिए दिस इज रियल एक्सेस मैं इसको लिखता चलता हूं दिस इज रियल एक्सेस आठ प्लेन में आ गए हम लोग और मेरे पास दिस इज इमेजिनरी एक्सेस ठीक है दो चीज है नेक्स्ट ये मैंने एक सर्कल ले लिया जिसका दिस इज ओरिजिन एंड दिस पॉइंट इज वन क्यों इसका मैंने रेडियस वन यूनिट लिया है अब ये जो मैंने लिखा z अपॉन जेड होगा दैट विल सर्कल इन विच इज शोन हि ये तो कहीं भीट हियर इट इज पॉइंट ए है और यह हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा जेड अपॉन मॉडल ऑफ जेड ओके अब देखो क्या क्या चीजें कंपेयर की जा रही है समझना इधर है थीटा थीटा यानी आर्गुमेंट जेड मोड का मतलब मैं अगर ओ को ए से जॉइन करूं तो दिस एंगल विल बी थीटा अगर मैं अगर मैं इसको थीटा लिख रहा हूं ठीक है पॉजिटिव एंगल है सो तो दिस इज यर थीटा और लेफ्ट हैंड साइड में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का किससे डिस्टेंस वन से डिस्टेंस तो इफ आई एम टेकिंग दिस पॉइंट बी तो ए बी डिस्टेंस की बात हो रही है ओके नाउ अब हम लोग चलते थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस है ना वो जो थर्ड रिजल्ट हम लोगों ने देखा था अब यहां रेडियस आई एम टेकिंग वन यूनिट तो थीटा इक्वल्स टू आर्क आ गया बोलो इट इज फाइन अब आर्क ए बी की बात करूं मैं मैं अगर ऐसे लिखूं यहां अगर मैं ऐसे लिखता हूं आर्क ए बी ग्रेटर देन किसके होगी कॉड ए बी है ना और आर्क ए बी इक्वल आ गया थीटा के तो दिस इज नथिंग बट दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट जेड हो गया ये यहॉन मॉडल दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी देख सकते हैं सो दिस इज रिटेन ओवर हियर ओके तो एक सिंपल सा मैंने लिया एक और एग्जांपल लेके चलता हूं मैं ठीक है देखते हैं नेक्स्ट इज मॉड ऑफ z माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इन टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मॉडुलस है प्लस मॉड ऑफ मॉड ऑफ z माइनस वन मैंने बोला हम एक एक टर्म को बहुत सिंपल करते हुए इसको समझ लेते हैं तो पूरी इनिक्वालिटी हम लोग क्लियरली देख पाएंगे विजुलाइज कर पाएंगे ओके तो लेट्स स्टार्ट है क्या क्या पहले देख लेते हैं दिस इज डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फ्रॉम अ रियल नंबर वन ओके उसके बाद मॉडल ऑफ जेड ये हमारा क्या है ऑरिजिन से डिस्टेंस ले सकते हैं इसको आर्गुमेंट ऑफ जेड का मॉड मींस हम लोग उस थीटा की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने अभी देखा और ये क्या लिखा है मॉड ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस वन मींस डिफ्रेंस लिखा है मोड जेड और वन का ठीक है अब जरा एक फिगर बनाते हैं फिर फिर से ये सारे टर्म्स एक बार हम लोग फिगर में देखते हैं तो इसके लिए चलिए आर्गन प्लेन में चलते हैं हम लोग अगेन दिस इज रियल एक्सेस रियल एक्सेस मिल गया नेक्स्ट इज इमेजिनरी एक्सेस ठीक है एंड थर्ड इज एनी मींस एनी मीन्स किसी भी रेडियस का सर्कल लिया तो इस सर्कल पे अगर मैं कोई पॉइंट लू तो उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस ही एक्चुअली मॉड ऑफ जेड देगा तो ये ना मैं वन ले रहा हूं मैं कोई और इन जनरल ले रहा हूं अब यहां दो केसेस बनेंगे पहला केस ले वन ले लेते हैं देखते चलो मैंने लिखा केस वन केस वन मैंने क्या लिया मॉड जेड लेस देन वन तो इसका मतलब जैसे ही मैंने मॉड जेड लेस देन वन लिया मेरे पास यहां रियल एक्सिस पे वन एक पॉइंट यहां कहीं होगा दिस इज वन ओके अब मैं कहीं भी एक पॉइंट ले लेता हूं इस सर्कल पे जो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करेगा जनरल लेता हूं मैं तो मैंने एक यहां फिर से एक पॉइंट ले लिया तो मैं इसका नाम दे देता हूं दिस इज सपोज p और ये रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर z इस ओपी की अगर मैं बात करूं ये ओपी ये ओपी क्या होगा दिस इज नथिंग बट मॉट जेड है ना डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन उसके बाद मैंने क्या किया इस जेड और वन को भी ज्वाइन किया क्यों ज्वाइन किया वो हम लोग जेड का इस वन से डिस्टेंस होगा तो दिस इज ओ पी इसको मैं ए ले लेता हूं लेट और इस पॉइंट को ये ये क्या होगा मॉट जेड तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां से तो दिस पॉइंट इज लेट बी ठीक इज इट फाइन अब देखते चलो फिर से मैं चलता हूं हमारे पास जो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट right साइड में टर्म्स हैं वो क्या क्या है ना तो लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड ऑफ जेड माइनस वन मैं इसको ऐसे लिखता हूं मॉड ऑफ जेड माइनस वन की अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ जेड 1 वन दिस इज नथिंग बट ठीक है मॉड z की बात करूं मैं मोट z क्या आएगा op इक्वल्स टू ओ भी आएगा ओरिजिन से डिस्टेंस है मॉडुलस का मतलब ही है नेक्स्ट इज आर्गुमेंट ऑफ z की बात करूं तो दिस एंगल आई एम टेकिंग एज थीटा ओके तो दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इसका मॉडल ले एंगल है सो दिस लेट ओवर उसके बाद मॉड ऑफ जेड मॉड ऑफ जेड ob अगर मैं लू तो ob माइनस वन मींस दिस इज मॉड जेड और माइनस वन सो दिस इज ab तो यहां मैं क्या लिखूंगा मॉड ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस वन दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ab अब जब आप इतना सब समझ गए तो फिर हमारे पास कुछ भी यहां मुश्किल नहीं रहेगा इसको फिर से समझ लेते हैं मैं इस इनिक्वालिटी को कैसे लिखता हूं फर्दर मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं किस फॉर्म में जैसे मोड ऑफ जेड माइनस वन दिस इज एपी लेस देन आर इक्वल्स टू मॉड जेड मॉड जेड हमारे पास है इनटू ये क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो अगर मॉड जेड हमारा इस सर्कल का रेडियस होगा तो रेडियस इन थीटा दिस इज आर्क पीबी है ना तो so, ये क्या बन गया आर्क पीबी ओके आर्क पीबी प्लस ये क्या है मॉड ऑफ जेड का वन से डिफरेंस एक्चुअली अगर मैं इस ओ बी हमारे पास क्या है Mod z और ये हमारे पास वन है तो इनका डिफरेंस क्या आएगा दिस इज ए बी तो प्लस ए बी अब मुझे जो प्रूव करना है वो यह प्रूव करना है और जो मैं बहुत इजीली कर सकता हूं कैसे मैंने एक ट्राइंगल इन या मैं बोलू किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन

इस पीबी को आर्क से चेंज करूं तो ये क्वांटिटी और बढ़ जाएगी है ना मींस देन पीबी मींस दिस कॉर्ड तो ये और ज्यादा क्लियरली बड़ा हो जाएगी लेफ्ट एंड साइड अगर मैं आर्क से रिप्लेस कर दूंगा और यही मुझे प्रूव करना था है ना तो इस इनिक्वालिटी इस को देखो तो इसमें बहुत सिंपल साइज को मैंने ब्रेक करके एक एक टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया ज्योमेट्री से है ना तो ऑटोमेटिकली मुझे विजुलाइज़ हो जाएगी ये इनक्वालिटी अब दूसरा केस भी देख लेते हैं जिसमें यहां मैंने क्या किया जो मॉड जेड लिया वो लेस देन वन लिया मीन्स वन से कम अगर मैं इस जो मैंने रेडियस लिया है सर्कल का वो केस टू भी देख लेते हैं सेम क्वेश्चन के लिए ओके okay, वहां भी हमको यही चीज दिखेगी तो केस टू की अगर मैं बात करूं इसमें आई एम टेकिंग मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन ठीक फिर से ज्योमेट्री इसकी देखते हैं फिगर बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस आ गई नेक्स्ट एक सर्कल ले लिया और मैंने इसका गेट 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 देन लिया दैट मीन्स आई एम टेकिंग वन इज़ ऑरिजिन कोई भी पॉइंट मैं इस पे ले लेता हूं किस पे यहां कहीं मैं एक पॉइंट ले लेता हूं विच इज पॉइंट पी एंड इट विल रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिस इज ओ एंड आई एम टेकिंग दिस इज एज ए और ये मैं ले लेता हूं बी ठीक है इनको ज्वाइन कर लेते हैं ओ को पी से ज्वाइन किया जेड ओ बी भी मोड जेड ये पी बी और ये मैंने ज्वाइन किया पी ए दिस एंगल आई एम टेकिंग एज आर्ग्यूमेंट विच इज अगेन आई एम टेकिंग एज थीटा फिर से मैं चलता हूं सारे टर्म्स में लिख दूंगा ऑटोमेटिकली विजुअलाइज होगा हमको सो मॉड ऑफ जेड माइनस वन लेफ्ट मैं लिखता हूं मॉड ऑफ जेड माइनस वन ये किसके इक्वल आ गया पी ओके दिस इज पी ए नेक्स्ट मैं लेता हूं मॉड जेड इन टू आर्ग्यूमेंट जेड अब फिर से अगर मैं ये बोलूं क्या मोड जेड इज रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ये थीटा तो ये पी बी आर्क मिलेगी मुझे तो डायरेक्टली मैं यहां अगर लिख दू मोड जेड इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इसका मोड यानी पॉजिटिव ले रहा हूं ये किसके इक्वल आएगा आर्क कौन सी पी बी ठीक नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टर्म है मोड ऑफ मोड जेड माइनस वन इसका मतलब ये आ गया मोड z ओ बी और वन से डिफरेंस तो ये क्या मिल गया ए बी तो दिस इज नथिंग बट ए बी फिर से फिर से ट्राइंगल इनिक्वालिटी हमको क्लियरली विजिबल होगी यानी अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मैं क्या शो कर दूं या इसको मैं सिंपल अगर लिखना चाहूं तो मॉड ऑफ जेड माइनस वन विच इज पी ए लेस देन आर इक्वल टू दिस इज आर्क पी बी प्लस ए बी सो दिस वी हैव टू प्रूव सिमिलरली फिर से इफ आई कंसीडर अ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ट्राइंगल पी ए बी पी ए बी आप अगर ट्राइंगल ले लो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा ट्राइंगल में फिर से पी ए बी कंसिडर करूं तो फिर से मैं बोल सकता हूं कौन सा है अगर मैं पीबी साइड की बात करूं तो पीबी प्लस ए बी पीबी प्लस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू किससे होगा पी ए और फिर से मैं बोलूं अगर मैं पीबी को आर्क पीबी से अगर चेंज करूं तो यह क्वांटिटी और बढ़ जाएगी क्यों सिंस आर्क पी बी ग्रेटर देन कॉड पी बी सो दिस इन इक्वालिटी इज प्रूव बिल्कुल विजिबल होगी सारी चीजें है ना तो ये मैंने दो एग्जाम्पल की हेल्प से एक बार ज्योमेट्री दिखाया कॉम्पलेक्स की है ना और भी क्वेश्चन में भी हम लोग ये सब अप्लाई कर सकते हैं यूजफुल है जेई में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना अब आपको अगर इस तरह के और सारे बहुत सारे वीडियोस देखने हो तो हमारा जो चैनल है उसको लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और बहुत हेल्पफुल होंगे हम इसमें बहुत तरह तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे तो आज के सेशन में इतना ही विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टेक केयर बाय